किसी के पास नहीं आया ना? हाँ आया तो नहीं, इस बार अपने से माध्यम बनाकर किसी न किसी को आपके पास भेजता है। मैं जो मेरे सामने ध्यान से बोले के बैठता ना, उसी कहता हूं तुम लकी हो जो तुम मेरे सामने बैठे हो। ईश्वर ने एक ऐसा रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता बनाया कि तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है, तुम्हें सोम सर के सामने बैठाया जाएगा, तुम्हें एक मौका है अपनी लाइफ को बदलने का। अब तेरी मर्जी है इसे कैच कर या छोड़ दे। ईश्वर क्या कह रहा है, मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं अपने परिवार की और अपनी लाइफ को बदलने का, अब तुझे छोड़ दे या इसे पकड़ ले। क्योंकि एक गुप्ता जी हमारे सीनियर, वो सारे लोग जानते हो, कहते हैं ये जो है ना अपॉर्चुनिटी मौका, ये पीछे से टकला जानते हो, या जिसके पास नहीं होते और आगे से उसके पास। मौका जो है ऐसी है कि वो पीछे से है गंजी मौका और आगे से है उसके पास, और उसके पीछे इतना तेल लगा हुआ है कि उसको पकड़ नहीं सकते। ठीक है, जब आपके पास मौका आया तो आप सामने बैठे हैं और मौका आपके सामने है तो उसके आगे फौरन पकड़ सकते हो ना, है ना। लेकिन अगर आपने नहीं पकड़ा और आपके सामने चल रहा है और आप पकड़ना चाहो तो चिकना है टकला है, पकड़ पाओगे फिर? ये ईश्वर की देन है। आप जिसे भी मानते हो, मैंने किसको मानते हो, सब अलग अलग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान से एक मौका है जो ईश्वर ने आपको दिया है।